हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे फ्लोर प्लान्स के बारे में। जो भी हमारे फ्लोर प्लान्स हैं, उनकी वर्किंग ड्राइंग, उनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो भी जनरल नोट्स है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे गाइज। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज, वीडियो को स्किप मत करना और एंडिंग तक देखना गाइज। और जो भी मैं आपके साथ चीज़ें डिस्कस करते हो गाइज, एज अ साइट इंजीनियर आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाले है साइट पे गाइज। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, आपने वो वीडियोज़ नहीं के देखे तो एक बार देख लीजिए गाइस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है मेरे लास्ट जो की वीडियो से, उनमें साइट इंजीनियर के थंब रूल्स और जो भी हमारे आरसीसी डिज़ाइन के ड्राइंग है, फाउंडेशन ड्राइंग, सेंटर लाइन प्लान, कॉलम ओरिएंटेशन प्लान, तो आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज। और इसके ऊपर मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोज़ भी बनाए, जो कि आप वन बाय वन देख सकते हो उसे, जो कि आपके डे टू डे लाइफ में या फिर वर्किंग में एज साइट इंजीनियर आपको यूज़फुल रहने वाले हैं बहुत। तो आज वीडियो एंडिंग तक देखना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंडिंग तक देखना, वीडियो को आखिर तक देखना गाइस, क्योंकि एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ थंब रूल्स डिस्कस करूँगा साइट इंजीनियर के लिए, जो भी हमारे थंब रूल्स है गाइस। ओके, उसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, थंब रूल्स फॉर सिविल साइट इंजीनियर। ओके, तो गाइस वीडियो एंडिंग तक देखना, वीडियो को मिस मत करना, और आने वाले वीडियोस भी इसी तरह आपके इम्पोर्टेंट होने वाले आपके डे टू डे लाइफ में। तो गाइस आखिर तक देखना वीडियो, और वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर और हमारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो गाइस, पहले तो आपको प्लान में क्या देखना है, पहले तो आपको देखना है कि कौन सा व्यू किस साइड में, यहाँ पर साइड सी, यहाँ इस साइड में, उसके बाद ए वाली हमारी साइड भी है, देख सकते हो, उसके बाद हमारी साइड डी यहाँ पर है उस साइड में, यहाँ पे देखोगे तो आपको ए वाला व्यू दिखाई देगा गाइस, उसके बाद हमारी साइड ए। ओके, तो ए हुई साइड, फिर उसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन देखना है आपको, नॉर्थ डायरेक्शन किस साइड में होता है, क्योंकि ये जरूरी हो भी, नॉर्थ डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, जो कि इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है हमारे वो प्लान पर दिखाई देगी आपको। फिर उसके बाद आपको जो कि कटिंग सेक्शन है उसके बारे में, ए वाला ए सेक्शन कट किया है, आप देख सकते हो यहाँ पर ए के सेक्शन यहाँ से कट किया उन्होंने। ओके, अगर कट किया तो इसका सेक्शन व्यू, अगर इसका सेक्शनल व्यू देखा आपने, ए यहाँ पर कटिंग सेक्शन है, यहाँ पर का व्यू देखा तो ए वाला सेक्शन यहाँ से आपको व्यू होगा, यानी कि ये जो कटिंग लाइन है दिख रही है आपको, ये पूरी लाइन आपको एज अ एलिवेशन में सेक्शनल व्यू में दिखाई देगी गाइस, जो भी हमारा लिफ्ट, उसके बाद डक्ट पैसेज, उसके बाद किचन का जो कटिंग सेक्शन है WC, उसके बाद सम बाथ एंड ए वाला डक्ट, इसका जो कटिंग सेक्शन है आपको दिखाई देगा गाइस सेक्शनल व्यू में। ओके, अगर इसका ये तो हमारा टॉप व्यू हुआ, जो कि प्लान है हमारा, वो सेक्शन कट किया तो आपको दिखाई देगा कि मेन क्या है ड्राइंग में, और कटिंग किया तो उसके हाइट्स वगैरह सब आपको दिखाई देगी एलिवेशन में भी और सेक्शनल व्यू में भी। तो एज अ साइट इंजीनियर ये चीज़ आपको आनी चाहिए गाइस। अगर प्लान के बारे में डिस्कस किया जाए गाइस, तो बहुत सारी चीज़ें प्लान में दी रहती है आपको, बस आपको देखना है और कौन सी चीज़ कैसी है, उसका डायमेंशन क्या है, वो आपको बस ध्यान में रखना है गाइस, और एज अ साइट इंजीनियर आपको साइट एग्जीक्यूशन के टाइम लेना है गाइस। तो हर एक प्लान में हर एक चीज़ दी रहती है एज अ आर्किटेक्ट और RCC कंसल्टेंट ने, बस आपको रीड करके साइट एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल करने है गाइज,
एज ए साइट इंजीनियर आपका यही वर्क है, बस आपको ड्राइंग रीडिंग आनी चाहिए और उसका आरसीसी डिज़ाइन जो भी बैकअप सपोर्ट है उसका, और ड्राइंग रीडिंग उसके सब प्लान्स और कोऑर्डिनेशन में है आपका, जो कि आरसीसी कंसल्टेंट आर्किटेक्ट इलेक्ट्रिकल पीईबी उनके साथ आपको कोऑर्डिनेशन भी रखना ज़रूरी है गाइस। अगर प्लान के बारे में देखा जाए तो ये हमारा 5th, 7th एंड 9th फ्लोर प्लान है, यानी कि ऑड फ्लोर प्लान है गाइस, टोटल टोटली ऑड फ्लोर प्लान है गाइस। आपने देखा होगा कि हाई राइज बिल्डिंग में ऑड इवन फ्लोर का जो जजमेंट जो मैनेजमेंट रहता है गाइस वो आपको ऑड इवन में दिखेगा, यानी कि आपको ए टेरेस ऑड में दिखेगा, ए टेरेस इवन में दिखेगा, और कुछ फ्लैट के भी साइजेस में एरिया में फ़र्क रहते हैं गाइस, जो कि कहीं पर टेरेस ऐड होगा कहीं पर बालकनीज रिडक्शन होगा, इसीलिए टेरेस के जो भी एरियाज है वो कम ज़्यादा हो सकते हैं गाइस। इसके साइट के भी वीडियो चाहिए आपके तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करना गाइस, इसके साइट के ऊपर भी आपको प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना गाइस, आने वाले टाइम में वो भी वीडियोस लाऊंगा मैं। पहली बात तो जो भी हमारे यहाँ हाई राइज बिल्डिंग है गाइस वो सिमेट्रिकल रहती है गाइस, आप देखोगे इस ड्राइंग में तो वही हमारा 2 BHK फ्लैट है, 8 ओरा पूरा, यहाँ पर आप देख सकते हो 1.8 मीटर का पैसेज है। ओके, यहाँ पर आपने एंट्री के लिए एंट्री ली, उसके बाद यहाँ पर एक फ्लैट है नीचे में 2 BHK और ऊपर एक फ्लैट है। ओके, यहाँ पर आप लिविंग, किचन, पूजा रूम या फिर बेडरूम, फिर उसके बाद बेडरूम और स्टडी रूम, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर एक टेरेस है, फिर जो भी हमारी साइज़ है वो भी आप देख लेना, 3.3.9 मीटर। उसके बाद एक अटैच कंबाइंड टॉयलेट है और एक अटैच सेपरेट टॉयलेट है हमारा, तो एक हुआ हमारा 1 2 BHK, इस तरह हमारे 4 2 BHK और 2 1 BHK फ्लैट है इस फ्लोर में। ड्राइंग बहुत पुरानी है गाइज इसलिए उसके ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ है, मगर ये एज अ स्टडी पर्पज़ एज अ आर्किटेक्ट और आरसीसी को डिज़ाइन करने के टाइम जो भी दिक्कत आई थी उसके लिए वो लिखा है गाइज। अगर आप फ्लैट नंबर देखेंगे तो यहाँ पर 305 की सीरीज है, यानी कि 905 के आसपास। ओके, यहाँ पर आप अटैच टॉयलेट और इसमें देना है आपको 200 mm संग, यानी कि आपकी जो वर्किंग ड्राइंग है या फिर प्लान है फ्लोर प्लान से उसमें सब कुछ दिया ही होता है गाइस। यहाँ पर स्लैब प्रोजेक्शन एट बीम टॉप एंड बॉटम, यानी कि दोनों साइड में प्रोजेक्शन चाहिए आपको, यहाँ पर देख सकते हो आप, जो कि एलिवेशन पर्पस के लिए आपको आर्किटेक्ट ने दिए हुए हैं। तो एज अ साइट इंजीनियर आपको ये चीज़ें स्लैब प्रोजेक्शन निकालने के टाइम ध्यान में रखनी चाहिए गाइस। उसके बाद जो है हमारा लिविंग का डायमेंशन है 4.5 मीटर बाय 3.2 मीटर, उसके बाद आपका जो किचन है इस साइड में वो है 2.4 मीटर बाय 3 मीटर, वहाँ यहाँ पर किचन का प्लेटफॉर्म है, सिंक है यहाँ पर, उसके बाद एक वॉशिंग के लिए आपको टेरेस एरिया दिया है वो है 1.35 मीटर बाय 1.5 मीटर। उसके बाद ये भी अल्टरनेटिंग पर्पज है गाइस, ये ऑड फ्लोर है इसके लिए इस साइड में दिया, इवन फ्लोर में इस साइड में होता है, इसके ऊपर और इसके नीचे फ्लोर में इस साइड में है गाइस, ऑड इवन फार्मूला इसलिए वो कन्वर्ट हुआ है। ओके, अल्टरनेटिंग दिए वो। इसके बाद ये जो पूजा रूम है उसमें आपको एक एलिवेशन पर्पज़ के लिए विंडोज है, उसके बाहर एक बालकनीज है 450 mm। ओके, यानी कि जो भी डायमेंशन है हमारी वो mm में लिखी है गाइस। उसके बाद प्लान में देखा जाए तो जो अब है हमारा डूअर है वो पहले तो इस साइड में, इसी साइड में होना चाहिए डूअर। ओके, ओपनिंग के पास ये जो स्पेस है पूरा, उसके बाद हमारा एंट्रेंस। ओके, यहाँ पर जो भी फ्रेंच डूअर है यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके बाद टेरेस, ओपन टेरेस है, उसका जो डायमेंशन 2.175 मीटर बाय 2.375 350 मीटर। ओके, यहाँ पर लिया है इंक्लूडिंग बालकनी लाइन। ओके, ये जो लाइन है ये स्ट्रक्चर है फ्रेमिंग के लिए है गाइस। उसके बाद हमारा स्टडी रूम का जो अटैच टेरेस है उसका जो डायमेंशन है 3 मीटर बाय 1.3 मीटर, यहाँ पर आपको 150 mm संक देना है, क्योंकि जो भी बारिश का पानी आए वो आपको नीचे ही जाए, आपको ऊपर
रूम में ना आ जा पाए। ओके, उसके बाद उन्होंने जो छज्जा दिया है वहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हर एक फ्रेंच डोर के ऊपर छज्जा दिया है। ओके, उसके बाद ये विंडोज़ है हमारी, उसका डिटेल में डायमेंशन दिया है गाइस। फिर ये कॉलम, यहाँ को यहाँ की जो वर्किंग ड्राइंग है हमारी, यहाँ से आपको कॉलम विंडोज़ की जो आउटर का जो फेस है वो लेना है 1.5 मीटर वॉल के एंड से, और जो फ्रेंच डोर का जो फेसिंग देख रहे हो आप दोनों साइड से, यहाँ से डिटेल में दिखाई ये वो लेना है आपको 0.9 मीटर इस साइड से। ओके, ये पूरा दिया है आपको, ये वाला 1.550 होना चाहिए, ये वाला पूरा लेंथ आपको 5.5 मीटर होना चाहिए। ये पूरा डायमेंशन आपको ड्राइंग में मिलेगा गाइस, जो कि आपको एज अ साइट इंजीनियर वर्किंग के लिए, उसके वर्क एज अ साइट एग्जीक्यूशन के लिए करना है गाइस। उसके बाद देखेंगे हम कि जो भी हमारा टॉयलेट बात है उसका जो डायमेंशन है 2.25 मीटर बाय 1.2 मीटर, 200 mm संग देना है उसको, ये 1 इंच टाइल ड्रॉप देना है, जो कि टाइल्स का जो हमारा जो स्लोपिंग है वो एक साइड में होना चाहिए और जो टाइल ड्रॉप है वो 1 इंच नीचे होना चाहिए गाइस। यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा है उन्होंने, जो कि हमारे बाथरूम और टॉयलेट का जो वाटर है वो हमारे पैसेज और रूम में ना आने पाए। ओके, यहाँ पर 200 mm संग देना है, यहाँ पर हमारा बेसिन पॉइंट है गाइस, उसके आगे डोर है, यहाँ पर पूजा रूम, उसकी डायमेंशन है 3 मीटर बाय 3.2 मीटर। ओके, तो गाइस आपको प्लान तो समझ में आया होगा, तो आप देख सकते हो ये प्लान डिटेल में। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था वीडियो एंडिंग तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंडिंग में मैं आपके साथ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करने वाला हूँ जो कि आप सुनते हैरान हो जाएंगे। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा सिमेट्रिकल प्लान है गाइज, जो कि हमारा सिमेट्रिकल प्लान है दोनों साइड से, वहाँ पे ए 2 BHK फ्लैट, ए 2 BHK फ्लैट, उसके बाद ए 1 BHK, 1 BHK, इसलिए हमारा पूरा ड्राइंग है सिमेट्रिकल है गाइज। आपने आधा सेक्शन कट किया तो वो सिमेट्रिकल डिज़ाइन होगा, हर एक कॉलम फुटिंग का डायमेंशन जो भी सिमेट्रिकल है सेम डायमेंशन है उसका, कॉलम डायमेंशन, फुटिंग डायमेंशन, फुटिंग के जो डिज़ाइन से, उसके बाद कॉलम के जो बार से, वो सेम रहने वाले हैं गाइस। उसके बाद जो भी बीम के डिटेल है वो भी आपके जो भी सिमेट्रिकल सेक्शन की वजह से सेम रहेगा गाइस। आज के जो थंब रूल्स है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको जो भी कॉलम का ओरिएंटेशन है गाइस वो आपको याद में रख ध्यान में रखना है गाइस, एज अ कॉलम का ओरिएंटेशन जो कि वॉल के साइड में है। ओके, कॉलम ये वर्टिकल ओरिएंटेशन है या फिर उसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है, ये चीज़ आपको साइड एग्जीक्यूशन के टाइम याद में ध्यान में आनी चाहिए गाइस, माइंड में आपके रिमाइंडर होनी चाहिए गाइस। जब आप कॉलम का कास्टिंग करेंगे या फिर वॉल का जो आप BBM का वर्क होगा, तब आपको ए वॉल कितनी लेनी है और ए वॉल यहाँ से ए वॉल कम है। ओके, ए पूरी जो आउटर वॉल है हमारी 9 इंचेस की, उसके बाद हम नई 4 इंचेस या 6 इंचेस की वॉल है। ओके, ये 6 इंचेस की वॉल है हमारी, उसके बाद ये आउटर है वो इससे भी कम है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो एज अ साइड इंजीनियर ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए गाइस। तो गाइस वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, इसलिए हम आगे वाले आने वाले वीडियोस में इसको पार्ट टू बनाएंगे, इसके ऊपर हर एक चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसका एलिवेशन और सेक्शनल व्यू भी आपको देखना है तो वो आने वाले पार्ट में दिया जाएगा गाइस। उसके अगले आने वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हमारे लिफ्ट और जो भी हमारे स्टेयरकेस के डिज़ाइन रहते हैं, राइजेस एंड थ्रेड्स, उसके बारे में हम डिटेल में उसका क्वांटिटी और सब कुछ निकालेंगे, डिटेल में उसका सेक्शन और एलिवेशन डिस्कस करेंगे गाइस आने वाली वीडियोस में। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, और आने वाली वीडियोस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए, तो नोटिफिकेशन बिल का भी प्रेस करना गाइस, क्योंकि इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो गाइस पहली बात तो ये, आपको एज अ साइट इंजीनियर आपको मेजरिंग टेप तो आपके पास चाहिए गाइस, एक फ्रीमैन्स का मेड इन इंडिया टेप है गाइस, जो कि हैंडलिंग में बहुत ही
बहुत ही अच्छा है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर टेप का जो भी मेजरिंग है, मेजरमेंट है, बहुत ही सिंपल है गाइस, इजी टू यूज है गाइस। एज अ साइट इंजीनियर 50 मीटर का टेप है। अगर आपको ये टेप चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है गाइस, आप उस लिंक पे जाके ये टेप बाय कर सकते हो। अभी बाय किया तो आपको 30% का ऑफर चल रहा है गाइस, अगर मेरे लिंक से आप ये टेप बाय करेंगे तो। गाइस अमेज़ॉन पे बहुत ही अच्छी डीलिंग है इस पर, अगर आपको ये चाहिए तो आप मेरी लिंक से बाय करना गाइस, आपको ऑफर मिलेगा। तो गाइस अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, अगर आपको डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है आपको पता नहीं है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके ऊपर जाके ये आप स्टॉक का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो गाइस, जो कि बहुत ही अच्छा है यूज़ करने में, और उसका ब्रोकरेज भी 0% है 20, जो कि हमारे हर एक ब्रोकर के जो रूल्स है उसके हिसाब से ये ब्रोकर है हमारा अपस्टॉक। तो आप जो आपको ऑफर भी मिलेगी गाइस, जो कि डिस्काउंट ब्रोकर है उसकी तरफ से, और मेरा जो VIP चैनल है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, उसको आप में आपको फ्री में ज्वाइनिंग मिलेगी गाइस। तो लेट मत करो गाइस, क्योंकि ये जो आप स्टॉक का जो डीमैट अकाउंट है ये बस आपको 10 मिनट में मिल जाएगा गाइस। तो गाइस जितना हो सके उतना जल्दी आप मेरे लिंक्स के ऊपर जाके अपना अकाउंट ओपन करो गाइस। गाइस आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जिसकी एंजल ब्रोकिंग है, ऑफ स्टॉक है, और जीरोधा है, और हमारा नया आया वाला फायर से, इसके ऊपर खास ऑफर से गाइस। अगर आप मेरे लिंक के ऊपर जाके ये अकाउंट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, तो आपको मिलेगा गाइस हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जो भी VIP ग्रुप है उसके ज्वाइन करने का एक अपॉर्चुनिटी चांस मिलेगा गाइस, जो कि आप मिस नहीं करना चाहोगे गाइस। तो मेरे लिंक पे जाके आप अकाउंट ओपन करना और मुझे मैसेज करना गाइस, और मैं आपको हमारे जो भी VIP ग्रुप है उनके साथ ज्वाइन कर लूँगा गाइस, जो कि बेस्ट है आपके लिए।